हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3.28 एनसीईआरटी क्लास 11th मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। क्वेश्चन नंबर 3.28 सेइंग कह रखा है कि वन डायमेंशनल मोशन है, उसमें किसी पार्टिकल का ये वीटी टाइम ग्राफ है, ये वीटी कर्व है किसी पार्टिकल का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। फिर कह रखा है कि ये जो फार्मूले दिए हुए हैं पांच, इसमें छह फार्मूले दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा एक फार्मूला 1 ABCDE, केवल एक और दिया हुआ है F, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो F एक और दिया हुआ वो ये है XT2 is equal to XT1 प्लस V एवरेज T2 minus T1, एक और दिया हुआ है प्लस हाफ ए एवरेज T2 minus T1 का होल स्क्वायर, ये दिया है बेटा। कह रखा है ये जो पांच फार्मूले दिए हुए हैं, ये जो फाइव फार्मूलाज दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इस ग्राफ को बिल्कुल सही आकलन करता है, ठीक है ना, एकदम सही कैलकुलेशन करता है इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। इनमें से जो पांचों फार्मूले दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा जो है फार्मूला है जो इस ग्राफ का बिल्कुल करेक्ट आकलन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये आपको वीटी कर्व दिया हुआ है, वीटी, ये आपको जो कर्व दिया हुआ है बेटा ये वीटी कर्व है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये भी पहचान लेंगे वीटी कर्व कैसे कैसे कैसी वेलोसिटी को शो कर रहा है। आप देखें वेलोसिटी एक कर्व है, वेलोसिटी ये क्या है बेटा, कर्व है, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है बेटा, वेलोसिटी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डेफिनेटली जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। क्यों, चूंकि हर पॉइंट पर इसके, देख लीजिए आप, हर पॉइंट पर इसके, एवरी पॉइंट पर जो टेंजेंट की क्या होगी, ढाल होगी, स्लोप होगी, वो चेंज हो जाएगी, मतलब ए भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ए इसका कांस्टेंट नहीं है। अब स्टार्टअप करते हैं, जरा सा देखते हैं इस पहले वाले को। अगर आप पहले वाले को देखने की कोशिश करें तो इसमें जो एक्सीलरेशन लिया गया है वो कांस्टेंट ले लिया गया है, ठीक है ना। अगर आप कोशिश करें देखने की तो T1 से T2 के बीच जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। यहां से यहां के बीच वेलोसिटी किसके वे में चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म वे में अगर वेलोसिटी चेंज होती तो स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम कहते कि v जो है चेंज तो हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली, इसलिए एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होता। लेकिन यहां पर v जो है यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट शो कर रहा है, जो कि क्लियर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है, क्योंकि एक्सीलरेशन इस मोशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सेम कहानी इसमें भी है, इसमें भी एक्सीलरेशन को कांस्टेंट दे रखा है और इस स्पीड में, इस जो है मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों, चूंकि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, कैसे जाने, चूंकि कर्व दिया होगा, अगर यूनिफॉर्मली चेंज होती वेलोसिटी तो फिर स्ट्रेट लाइन होता, इसलिए ये वाला भी फॉल्ट है। अब ये वाला वी एवरेज, एवरेज स्पीड जो है, तो जाहिर सी बात है एवरेज स्पीड कैसे मिलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या, टाइमिंग। अब जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस, ये देख लीजिए, ये हमारा टोटल डिस्टेंस निकल ही जाएगा, क्यों नहीं निकल जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस है बेटा, ये जो हमारा है, ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल क्या, टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं एरिया, क्या एक्सीलरेशन एवरेज, एक्सीलरेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, VT2 minus VT1 upon T2, बिल्कुल सही है, ये हमारा VT2 है, सॉरी ये VT1 है हमारा, ठीक है ना, पहले समय पर ये VT1 है और फिर क्या हुआ, यहाँ से आए, ये हमारा क्या हो गया, VT2 हो गया, फिर क्या हुआ, जाहिर सी बात है VT2 minus VT1, और इतना समय जो लग गया, ये भी सही है, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, ये क्या है, एक्सीलरेशन, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए ये वाला फार्मूला XT2 minus XT1, यानी ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है T1 से किसके बीच, T2 के बीच, T1 से T2 के बीच, तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये एरिया क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो सही तो है टाइम एक्सिस, तो ये है बेटा हमारा टाइम एक्सिस, और दिखाए गए क्या, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन ये वाला, ये,
और ये डॉटेड लाइन के बीच वीटी वक्र द्वारा, तो ये वीटी वक्र है हमारा इसके बीच, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक है हमारा वीटी वक्र, इस टाइमिंग के बीच यहाँ से यहाँ तक वीटी वक्र है हमारा, वीटी वक्र द्वारा टाइम एक्सिस पर जो एरिया कवर किया गया है, तो सही बात है टाइम एक्सिस पर जो एरिया कवर किया गया यही इतना है, और ये एक्चुअल में इस डिस्टेंस को क्या कर रखा है, शो कर रखा है, यानी ये भी बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। जब ये भी हमारा करेक्ट हो गया तो अब आखिरी बच रहा है क्या, XT2 मतलब क्या, T2 टाइम पे कितना आपने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, तो XT2 इज इक्वल टू दे रखा है V एवरेज T2 माइनस T1 प्लस A एवरेज। तो A एवरेज की अगर बात कर दे तो आपको बता दे कि जो फार्मूले बने हैं ये कभी भी एवरेज फार्मूलों के लिए नहीं बने हैं। न्यूटन का गति विषयक जो समीकरण है वो नियत त्वरण के लिए है, बदलते हुए त्वरण के लिए नहीं है, ठीक है ना। न्यूटन का गति विषयक समीकरण नियत त्वरण के लिए है, बदलते हुए त्वरण के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यानी अब आपसे एक चीज कह देते हैं, क्या चीज, कि एवरेज कहा तो एवरेज एक्सेलरेशन का भी यूज नहीं कर सकते, तो ये वाला फॉल्ट है बेटा, ये वाला भी आपका फॉल्ट है, ठीक। ये आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चंस।